रोशनी की चकाचौंध है, लोग मस्ती में झूम रहे हैं, नजारा भव्य है, उत्साह जोरदार है, समारोह शानदार है। जी हाँ, जर्मनी के बर्लिन में महीनों बाद ओपन एयर कंसर्ट का आयोजन किया गया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में लगभग 6 महीने बाद ओपन एयर कंसर्ट का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जर्मनी के मशहूर गायक रोलैंड कैसर ने शिरकत कर अपना जलवा बिखेरा। रोलैंड कैसर ने कई शानदार हिट गाने पेश किए, महफिल को लूट लिया। लोग भी इनके गानों को सुनकर झूम उठे। लगभग 22,000 की क्षमता वाले इस स्टेडियम में कोरोना को देखते हुए सिर्फ 5,000 लोगों को इसे देखने की अनुमति दी गई थी। साथ ही यहां महामारी के कई कड़े नियमों का भी पालन किया गया। कोरोना की वजह से जर्मनी में सिनेमा हॉल काफी लंबे वक्त से बंद पड़े हुए हैं, जिसके बाद लोगों के मनोरंजन के लिए इस कार्यक्रम को किया गया। लंबे वक्त से घरों में कैद लोगों के लिए ये एक जबरदस्त कार्यक्रम था, जिसका लोगों ने बखूबी लुत्फ उठाया और जमकर थिरकते नजर आए। आपको बता दें कि जर्मनी में अब तक कोरोना के कुल 2,48,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं इस महामारी से 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी धीरे धीरे ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित कर दोबारा पटरी पर लौटने की कोशिश कर रहा है। लोगों ने भी समारोह की जमकर तारीफ की।